नमस्कार साथियों, आज हम ये से रिलेटेड बात करेंगे कुछ कानूनों के बारे में। जी हाँ, जो जनवरी और फरवरी में लागू हो जाएंगे, कुछ लागू हो गए जो कुछ इस महीने में लागू हो जाएंगे। जी हाँ, वीए में रहते हुए बहुत सारी दुबई सरकार ने, बता दूं लगभग 50 से ऊपर नए कानून बनाए हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो आप अगर छोटी सी गलती करोगे तो महंगा पड़ सकता है। वीए में ऑनलाइन ब्लैकमेल करने पे क्या सज़ा हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। वीए में साइबर अपराध कानून बना दिया गया है, उस पर हम बात करेंगे। गैर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर पति अपनी पत्नी को गाली गलौज करता है तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जी हाँ, अगर आप दुबई के बाहर रहते हुए कुछ गलत कर देते हैं तो दुबई सरकार आपके ऊपर दुबई में मुकदमा चला सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डिटेल से जानिए भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीए से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों, वीए सरकार ने 2022 में अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं, जो जिसका निर्माण 2021 में कर दिया गया था, लेकिन लागू ये अभी 2022 नई साल से कर दिए गए हैं। दूसरों को ऑनलाइन ब्लैकमेल करना, धमकी देना, इनलीगल तरीके से मैसेज करना, इस तरह से अगर आपको करते हैं तो भाई सीधा सीधा आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जी हाँ, 2.5 लाख दुबई दिरहम से लेके 5 लाख दुबई दिरहम तक जुर्माना लगेगा। और बता दूं, सजा प्लस ये दोनों ऑप्शन हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा, सजा भी होगी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कम से कम 2,50,000 दुबई दिरहम है, आप समझ लो इससे कम तो होना ही नहीं है, नीचे से नीचे ही है। तो आप कितने साल कमाओगे तब जाके ये पूर्ति करोगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये कानून संख्या 2021 फेडरल एक्ट बता दूं 166 में। जी हाँ, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट में अपन बात करें कि वीए में साइबर अपराध कानून जो बनाया गया है उसमें मैं बता दूं, गैर मान्यता प्राप्त, आजकल क्रिप्टो करेंसी का एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, जो वीए सरकार इसको मान्यता देती है तरीके से, लेकिन बहुत सारा इनलीगल तरीके से सिस्टम चल रहा है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी को आप अपने वीडियो के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को बिना लाइसेंस लिए, गैर मान्यता प्राप्त। जी हाँ, तो उनके खिलाफ में भाई 20,000 दुबई दिरहम से लेके 5 लाख दुबई दिरहम तक जुर्माना आपको दिया जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखिए। तो क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में पड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। साइबर अपराध में बता दूं, 1 मिलियन दुबई दिरहम से जुर्माना शुरू है, दुबई 1 मिलियन तक जुर्माना है, प्लस 5 साल तक की सजा है। जितने भी ये 40-50 कानून बने हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट में अगर बात करें कि कई बार ऐसा होता ना कि यार हम यहाँ बैठे कांड कर देते हैं दुबई में, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या फिर किसी को फ़ोन पे सपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसा पहले क्या होता था कि उनके खिलाफ में कुछ एक्शन नहीं लिया जाता था। अब आप इंडिया में बैठ के भी वीए में कुछ कर रहे हैं तो वीए सरकार आपके खिलाफ में पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकेगी, जब भी उसको देखा जाएगा कंडीशन के आधार पर, जब भी आप जाते हैं क्या होता है तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। यानी सीधा सीधा मतलब है कि विदेशों में बैठ के वीए सरकार में कुछ भी आप गलत करते हैं तो आपके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फोर्थ नंबर पे बात करें साथियों, बता दूं कि आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, इंडिया में भी होते हैं, लेकिन वहाँ दुबई सरकार ने कानून जो पारित किया है उस बता दूं, उसमें साफ साफ 2021 के कानून में बता दिया है कि भाई आप अपनी पत्नी को गाली नहीं दे सकते। पहली बात तो ये रही है, तो इंडिया में भी है भाई, गाली तो कोई किसी को नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है। लेकिन वहाँ की अगर वीए की बात करें, दूसरी बात ये कि आप अपने पति को, पत्नी को सार्वजनिक जगह पे गाली नहीं दे सकते। आप अपनी पत्नी को दूसरे लोगों के सामने नीचा दिखाने के लिए या अपना मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए अपनी पत्नी को कुछ गाली नहीं दे सकते। अगर पत्नी आपके खिलाफ में एक्शन लेती है तो ले सकती है, लीगल एक्शन उनको अधिकार दिया गया है। जी हाँ, बता दूं वीए का तो दंड संख्या 1987 एक्ट 3 में भी इसको बता दूं गाली देना अपराध माना गया है। वीए सरकार में, वीए के कानून में गाली देने को अपराध माना गया है, बाकी अपने यहाँ तो टाइम पास के लिए लोग गालियाँ दे देते हैं। फोन पे आप अपनी पत्नी को गाली नहीं दे सकते, दूसरों के सामने आप अपनी पत्नी को गाली नहीं दे सकते, 6 महीने की सजा प्लस 5,000 दुबई दिरहम जुर्माना लग सकता है। पति को बता दूं मौखिक बयान के लिए पुलिस फिर थाने भी बुला सकती है, आपको जाना पड़ेगा, और जिनके सामने आपने गाली दी है उनको भी गवाह के तौर पे पेश होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। या फिर पुलिस आपको एक बार के लिए सावधान करने के लिए बुला सकती है कि आपकी शिकायत आई है, आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर आप बार बार करते हो तो फिर पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सब बातें कुछ थी, मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।